गुड मॉर्निंग बच्चों, लास्ट वर्किंग डे तक हमने मैथ का एक्सरसाइज 1.3 तक आप लोगों को बता चुका हूँ। आज हमको कुछ थ्योरम बताने हैं। अगला एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ उससे रिलेटेड हमको थ्योरम बताने हैं कि रेशनल नंबर और पहचाने कैसे कौन नंबर रेशनल नंबर हैं। रेशनल नंबर जो होते हैं वे टर्मिनेटिंग होते हैं एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, मतलब रिपीटिंग हो तो वो रेशनल होंगे। आपको एक चीज़ बता दें, इट मीन्स रेशनल नंबर आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, मतलब रिपीट होना चाहिए। उसको जब डेसिमल फॉर्म में हम चेंज करते हैं, टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है पहले समझ लो। व्हाट यू मीन बाय टर्मिनेटिंग? टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है? टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर, इतना तो पता है कि रेशनल नंबर जो भी हो हम उसको P अपान Q के फॉर्म में लिखते हैं, और यहाँ P एंड Q आर को प्राइम नंबर। P एंड Q आर को प्राइम नंबर। एंड एक और चीज़ है साथ में, Q इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब इसका बेस जो है P अपन Q के फॉर्म में जो नंबर हम लिखेंगे उसमें जो बेस है वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, और न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कोई कॉमन फैक्टर अदर देन वन भी नहीं होना चाहिए। इस फॉर्म में जो भी नंबर हमको मिलेंगे वे रेशनल नंबर होते हैं। हमको समझाना यह था टर्मिनेटिंग, इसका मतलब यह है कि अगर कोई हम रेशनल नंबर लिखें, कोई नंबर हमें लिख रहा हूँ, फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल मैं ले रहा हूँ 1/2, 1/2 अगर हम इसको डेसिमल में चेंज करें, इसका डेसिमल एक्सपेंशन अगर हम लें तो 1 को आप डिवाइड करोगे 2 से, 1 इससे छोटा है डिवाइड तो होगा नहीं, इसलिए आप ऐसे कर सकते हैं, आप या तो डेसिमल लगा लो, अब यहाँ जीरो आ गया और 2, 5 जा 10, मतलब इसका रिमाइंडर जीरो है, और यहाँ आपका तो ये डिवीजन आपका हो रहा है 0.5, रिमाइंडर जीरो। तो वे नंबर जिनका रिमाइंडर जीरो होगा उनको हम टर्मिनेटिंग नंबर हम कह सकते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, मतलब वो रेशनल नंबर जो है टर्मिनेटिंग हो, मतलब उनका रिमाइंडर क्या आ जाए, जीरो आ जाए, तो ऐसे नंबर को हम टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कहेंगे। अब जैसे 1/3 है, अब 1/3 में 1 को अगर हम डिवाइड करना चाहें 3 से, तो ये नंबर जो है इससे लेस नंबर है, ये जीरो बढ़ा लेते हैं डेसिमल लगाकर, और 3, 3 जा 9, 1 फिर नहीं जाएगा क्योंकि ऑलरेडी डेसिमल लग चुका है, इसलिए दोबारा हम डेसिमल नहीं लगाएंगे, 0, 3, 3 जा 9, 1, 3, 3 जा 9। तो मैं देख रहा हूँ कि इसमें एक चीज़ मैं देख रहा हूँ कि बार बार ये रिमाइंडर इसमें 1 रिपीट हो रहा है, फिर यहाँ आ गया 1, ऑटोमेटिक आपका 0 बढ़ जाएगा, 3, 3 जा 9, फिर यहाँ से आपका जो रिमाइंडर बच जा रहा है 1, तो ये 1 रिपीट हो रहा है बार बार। उसी तरह से आप यहाँ देखो तो 0.3333 और ऐसे ये आपका चलता जाएगा। तो ये दो कैटेगरी के जो नंबर हैं ये आपके दोनों क्या हैं, रेशनल नंबर, ये रिपीटिंग हो गया। यहाँ ये आपका जो है रिपीटिंग, डेसिमल नंबर,
तो ये दोनों 1/2 भी आपका क्या है, रेशनल नंबर है। ये टर्मिनेटिंग होगा क्योंकि इसके बाद अब डिवीजन नहीं है, इसमें रिमाइंडर जीरो आ गया। मतलब वे रेशनल नंबर जिनको हम डेसिमल फॉर्म में जब चेंज करते हैं तो उसका रिमाइंडर ऑलरेडी जीरो आ चुका है, उनको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कहते हैं। ओके, मतलब रिमाइंडर यहाँ जीरो आ गया तो इसका डिवीजन खत्म, कंप्लीट हो गया। यह हो गया 1/3, यहाँ भी आपका क्या है 0.3333 ऐसे आ रहा है, तो ये रिपीटिंग डेसिमल नंबर है, ये रिपीटिंग है। तो हम क्या करते हैं, इस 1/3 को हम ऐसे लिख देते हैं 0.3 बार। ये बार का मतलब यह है कि ये बार बार इसमें कंटिन्यूसली यह रिपीट होता जाएगा, क्रमशः यह आता जाएगा, 3 3 3 आता जाएगा। इसका डिवीजन कहीं एंड नहीं है, रिमाइंडर इसका जीरो कभी नहीं आएगा, रिमाइंडर इसका हमेशा 1 आता जाएगा, और ये डिवीजन इस तरह से कंटिन्यूसली चलता रहेगा। इसलिए यह भी आपका जो है रेशनल नंबर है और 1/2 रेशनल नंबर है। ठीक है, हमको लगता है समझ में आ गया होगा। मतलब रेशनल नंबर जो होते हैं ये टू टाइप्स के होते हैं, ये या तो टर्मिनेटिंग होंगे, डेसिमल नंबर होंगे, टर्मिनेटिंग हो गए, और या फिर आपका नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, तो दे आर टू टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर। ओके, आइए एक और चीज़ हम देखें। फॉर एग्जांपल एक और मैं समझा रहा हूँ, जैसे 1/7 है, 1/7 को आप 7 से 1 को डिवाइड करिए। अब इसका देखते हैं डेसिमल 0 7 1 या 7, यहाँ रिमाइंडर है 3, ऑटोमेटिक 0 यहाँ आ जाएगा, इसका तो 0 है ही है यहाँ वो नंबर। 7 4 जा 28, यहाँ रिमाइंडर हो गया 2, 0 7 2 जा 24 14 हो गया, यहाँ आ गया आपका 6, ऑटोमेटिक 0 आप बढ़ेगा, फिर 7 8 जा 56, 7 5 जा 35, 7 7 जा 49, यहाँ रिमाइंडर हो गया 1। फिर आप अगर इसको डिवाइड करोगे, या 0 7 1 जा 7 3 0 7 4 जा 28, तो हम ये देख रहे हैं यहाँ रिमाइंडर 2। इस तरह से डिवीजन चलता जाएगा कॉन्टिन्यूसली। लेकिन एक चीज़ यहाँ देखो, ये 1 4 2 8 5 7 के बाद फिर ये रिपीट हो रहा है 1 4। मतलब ये प्रोसेस को अगर हम आगे यहाँ लेते जाएंगे तो ये रिपीट होता जाएगा, यहाँ आता जाएगा आपका 2 8 5 7, तो ये बार बार आपका ये पोर्शन रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब 1/7 जो है आपका क्या है, ये रेशनल नंबर। यहाँ मैं डिवीजन आगे नहीं ले गया, आप यहाँ देखो ये 2, फिर ये वाला 2 आ गया, यह 2 यहाँ रिपीट हुआ। अब इसके आगे नेक्स्ट आपका रिमाइंडर आ जाएगा 6 आ जाएगा, फिर आपका जब माइनस करोगे फिर ये 4 आ जाएगा। तो इस तरह से चलता जाएगा कंटिन्यूसली। इट मीन्स यू कैन राइट इट 1/7 इज इक्वल टू 0.14 2 8 5 7 बार। तो ये रिपीटिंग हो गया, रिपीटिंग डेसिमल नंबर। तो इसलिए 1/7 भी क्या हो गया, एक रेशनल नंबर है। हमें लगता है समझ में आ गया होगा कि रेशनल नंबर्स आर ऑफ टू टाइप्स, दे आर ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो दे आर ऑफ टू टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में आप लोग 9th में पढ़ चुके हैं, वहाँ आपने पढ़ा भी है कि 22/7 का जो वैल्यू होता है 3. आपका यहीं से निकाल दिया जाएगा
142857। आप जब डिवाइड करके देखो, आप इसी को डिवाइड करके देखो, 22/7 को मैं डिवाइड करके दिखाता हूँ। यहाँ मैं ले लिया 22 को 7 से डिवाइड करिए, ये आपका हो गया 7 3 21। अब ये 1/7 हो रहा है ना, रिमाइंडर 1 आ गया, मतलब 1 को डिवाइड करना है 7 से, या डेसिमल लग गया 0 7 1 7, और सेम ये प्रोसेस से चलता जाएगा। मीन्स ये वैल्यू हमारा आ गया 1.42857, और ये रिपीट होगा। तो 22/7 का वैल्यू 3.142857, ये रिपीटिंग है। देयरफॉर 22/7 इज रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर है, क्यों? क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग तो है बट रिपीटिंग डेसिमल नंबर है। इसको डेसिमल में जब चेंज कर रहे हैं हम, तो देख रहे हैं कि रिपीट हो रहा है। ये इसके 1 2 3 4 5 6 आफ्टर डेसिमल 6 प्लेस तक ये बार बार आपका कंटिन्यूअसली रिपीट होता जाएगा। इट मीन्स 22/7 ये रेशनल नंबर। अब मैक्सिमम जगहों पर 22/7 का इक्विवेलेंट वैल्यू हम पाई ले लेते हैं। पाई का जो इक्विवेलेंट वैल्यू हम ले लेते हैं, ये 22/7 ले लेते हैं। एक्चुअली पाई का वैल्यू ये नहीं है, पाई का वैल्यू 22/7 नहीं है। पाई का जो वैल्यू है, पाई इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। डेसिमल नंबर इसलिए पाई इरेशनल है, बट पाई का अप्रॉक्सीमेट नियरेस्ट वैल्यू जो हम लेते हैं 22/7, इसको हम रेशनल कहते हैं और ये इरेशनल है। आपको क्लियर हो चुका होगा। अब इस पर एक थ्योरम हम बताने जा रहे हैं जो आपको पढ़ना है। वो थ्योरम क्या है समझ लीजिए। एक थ्योरम आपका थ्योरम 1.5 आपको बताना है। लेट एक्स बी ए रेशनल नंबर, यहां हम लेट कर लें, लेट एक्स बी ए रेशनल नंबर हुज ये थ्योरम आपका 1.5 है। थ्योरम में क्या कह रहा है देख लीजिए। थ्योरम पहले मैं पढ़कर समझा दे रहा हूँ क्या है, और इसको विथ एग्जाम्पल आप समझेंगे। थ्योरम करने का मतलब यह है, एक्स बी ए रेशनल नंबर, लेट एक्स बी ए रेशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन, एक्स बी ए रेशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स। मीन्स जब आप उसको डेसिमल में चेंज करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो रिमाइंडर उसका जीरो आ जाएगा। देन एक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी अपान क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू, क्यू इज डिनोमिनेटर, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2^n। यहाँ इंटू का साइन है, इंटू 5^n, वेयर n एंड m आर पॉजिटिव इंटीजर्स।
यहाँ कहने का क्या मतलब है, इसका तात्पर्य समझिए क्या कह रहा है। एक्स लेट कर ले रहा है कोई रेशनल नंबर है और उसको हम पी अपान क्यू के फॉर्म में लिख ले रहे हैं। रेशनल नंबर को पी अपान क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम, मतलब उन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है पी एंड क्यू में। एंड क्यू इज ऑफ द फॉर्म ऑफ टू टू द पावर एन इंटू फाइव पावर एम, वेयर एन एंड एम आर पॉजिटिव इंटीजर, नॉन निगेटिव पॉजिटिव, मतलब एन एम का वैल्यू और पावर है, एन एम नेचुरल नंबर है। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब ये हो गया, मीन्स है कि एन एंड एन एंड एम आर नेचुरल नंबर्स, एन और एम की वैल्यू आपका जो है वो नेचुरल है, वन टू थ्री फोर जो नंबर हैं वो है। अब एक एग्जाम्पल से आपको इसको मैं समझा रहा हूँ, कुछ एग्जाम्पल से आप ये समझिए क्या है, कहने का मतलब क्या है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 3/8, 13/125, 7/80, 1/4/5/8/8/6/2/5, ये फोर एग्जाम्पल्स में ले रहा हूँ, इसको मैं समझा दे रहा हूँ तभी आपको समझ में आएगा कैसे है। जैसे यहाँ 3/8 है, ठीक, 3/8 को हम क्या लिख सकते हैं, 3/2³, 3 एंड 8 ये दोनों आपके कोई, इन दोनों में कॉमन फैक्टर नहीं है, दोनों को प्राइम है। एंड बेस एट का प्राइम फैक्टर आपका है 2 × 2 × 2। अब हम इसको इस फॉर्म में चेंज करेंगे, 2 पावर n एंड m 5 पावर m, इसमें 5 एब्सेंट है, 5 नहीं है, इसलिए देखो हम इसको क्या करते हैं, 3/2³, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर वी मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 5³, एंड दिस चेंज 3 × 125, 8 × 125, 8 × 125, 375 upon, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आप कहा गया 1000। अब हम इसको लिख सकते हैं चेंज करके, 375 upon 10³, मीन्स यह आपका जो है डेसिमल नंबर हो गया 0.375। इसका मतलब यह है, जैसे यहाँ कह रहा है एक्स बी ए रेशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स, ये एक डेसिमल नंबर हो गया। अब इसको हम पी अपान क्यू के फॉर्म में लिख दे रहे हैं, जहाँ क्यू जो है यहाँ 8 है, डिनोमिनेटर 8 है और वो 2 to the power 3, मतलब इस रेशनल नंबर को यहाँ मैं चेंज करके दिखा दिया वो डेसिमल में है, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हो गया। क्या हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। और इस टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर के बेस को हम यहाँ देखें, 2 and 5 दोनों आ रहे हैं, तो इससे हमको एक चीज़ पता चलता है कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर वे होंगे जिनके बेस में 2 बेस जो डिनोमिनेटर है उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 हो, या ओनली 2, ओनली 5, 2 and 5 बोथ। इससे आप इसको भी समझ लें, 13 and 125 इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, दोनों प्राइम है। 125 को आप लिख सकते हो 5³। अब हमको इस फॉर्म में चेंज करना है, 2 to the 2 and 5 के फैक्टर्स में लाना है, तो 2 इसमें एब्सेंट है, तो आप करो क्या, 13 × 2³, बेस को हम 10 बना दें, तो यहाँ भी हम 2³ को मल्टीप्लाई कर दें। अब रही बात कि बेस को हम 10 क्यों ला रहे हैं, क्यों 10 बना रहे हैं, 10 लाने पर बेस को अगर हम 10 के फॉर्म में कर दें
पावर्स ऑफ टेन में कर दें तो डेसिमल टर्न में चेंज हो जाएगा, टर्मिनेट्स हो जाएगा। ये आपका हो गया 13 × 8/2 × 5 आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो होल क्यूब 104/10³ यह हो गया 0.104। तो हम देख रहे हैं ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है ये भी टर्मिनेट हो गया क्योंकि डिवाइड हो गया, डेसिमल में चेंज कर दिया इसको। और इसका बेस हमें देख रहा हूँ कि 10 मैंने बनाया, यहाँ भी आपका हो सकता था, यहाँ जो लिखे हैं ये स्टेप न लाकर इस स्टेप के जगह पर हम यहाँ से डायरेक्ट ये कर सकते थे 3 × 125/2³, 5³। तो ये हो गया आपका 2 × 5³। और तब ये हो सकता है 375/10³। एंड आफ्टर दिस आपका इसको देखो 7/80 को क्या लिख सकते हैं 7/2⁴ × 5। यह हो सकता है 2⁴ × 5। अब इसको हम इस फॉर्म में चेंज करें डिनोमिनेटर को, तो फॉर दिस इसको आप क्या करो 7 × 5³/2⁴ × 5⁴। अब इसके बेस को हम 10 बना लें 7 × 5³ यह हो गया आपका 10⁴ एंड दिस बिकम्स 7 × 125/10⁴ × 1 × 2 × 3 × 4 × 1। और इसको लिख सकते हैं 7 × 5 = 35, 7 × 4 = 17, 7 × 9 = 8/1 × 2 × 3 = 4 × 1 = 0.0। अब इसका 2² × 7 × 5² × 1/5⁴। अब यहाँ बेस, इसके बेस में भी हम 2 ला दें तो इसके लिए यहाँ 2⁴ का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 2⁴ का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो गया 2⁶ × 7 × 521/2⁴ × 5⁴। एंड ये हो गया आपका, ये जब मल्टीप्लाई करेंगे आफ्टर मल्टीप्लिकेशन ये हो जाएगा 2 3 3 4 0 8 / 10⁴। 10⁴ 1 2 3 4 दिस इज 23.3408। तो मैं ये देख रहा हूँ कि ये सारे आप क्या हैं, ये जितने एग्जांपल्स बताए गए हैं इसमें आप देखो
ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया, ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, इसी का सलूशन है, यह भी आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है एंड यह भी आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। अब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर को अगर आप फ्रैक्शन में लिखें तो एक नया वैल्यू आ गया है 375/1000, मीन्स ए अपान बी के फॉर्म का हो गया है। इसको आप जब बेस 10 पर हम चेंज कर रहे हैं, बेस 10 पर जब मैं इसको हम चेंज कर रहा हूँ तो ये सारे नंबर्स, ये 3/8 है, तो 3/8 का वैल्यू कितना हो जा रहा है 375/1000। यहाँ 13/125 का वैल्यू कितना आ जा रहा है, यह आ गया 104/1000। ए अपान बी के फॉर्म में ये चेंज हो जा रहा है, ये वैल्यू ए अपान बी के फॉर्म में चेंज हो जा रहा है, कौन, पी अपान क्यू चेंजेस टू ए अपान बी वेयर क्यू इज इक्वल टू 2^n × 5^m। अगर इफ बेस मीन्स डिनोमिनेटर रेशनल नंबर जो पी अपान क्यू ले रहे हैं, इसका रेशनल नंबर इसके बेस को 2^n × 5^m 2 और 5 के फैक्टर में हम ला रहे हैं इसको, तो बेस इसका 10 बना दे रहे हैं, मॉडिफाई करके बेस जब 10 बना दे रहे हैं तब ये नंबर p अपान q के फॉर्म में न रहकर ये कोई दूसरा नंबर बन जा रहा है a अपान b के फॉर्म में। तो इन एग्जांपल से ये थ्योरम आपका स्पष्ट और क्लियर हो रहा है कि अगर कोई डेसिमल नंबर है, टर्मिनेट है, एक्सपेंशन डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट कर रहा है कोई रेशनल नंबर, तो उसका जो बेस है q वो 2^n × 5^m के फॉर्म में हम उसको एक्सचेंज कर सकते हैं। बेस 10 हम बना दे रहे हैं और उस फॉर्म में चेंज करके हम देख सकते हैं कि जो रेशनल नंबर है, इस रेशनल नंबर से इससे हमको ये पता चलता है कि जो रेशनल नंबर है वो टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर है। ये टर्मिनेटिंग का हुआ। एक और थ्योरम बताएंगे जिसमें होगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। इट मीन्स इट इज़ क्लियर दैट रेशनल नंबर्स आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ओके, थैंक यू। समझ में आया होगा, जो कुछ पूछना हो कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं।